बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि हम जा रहे हैं रावलपिंडी। तो रावलपिंडी एक छोटा सा काम था, वो काम ख़त्म करके तो हम अब आ चुके हैं इस्लामाबाद। और आज का व्लॉग हम बनाएंगे, मेरा कज़न है इधर अब्दुल्ला, उसकी यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का मौसम बताता चलूँ, काफ़ी बादल आए हुए हैं, बारिश का भी इम्कान है। तो अब देखते हैं कि अल्लाह पाक को क्या मंजूर है, तो फिर चलते हैं जी। तो दोस्तों अभी मैं उठा हूँ, फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर आपको आगे लेके चलते हैं जी। तो अभी मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी और अभी नीचे बाइकिया से मैंने बाइक मंगवा ली है, तो अभी चलते हैं और आपको साथ फिर लेके चलते हैं पीर महर दिशा पहले यूनिवर्सिटी। तो हमने बाइक मंगवाई थी तो वो सामने अंकल जी आ गए। तो आज का मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हुआ है, तो आगे चल के आपको मस्जिद दिखाते हैं जी। इधर अब्दुल्ला भाई की यूनिवर्सिटी में पहुंच आया हूं और अभी इनकी क्लास में चलते हैं। ये अब्दुल्ला भाई हैं हमारे, तो ये माशाल्लाह से DVM कर रहे हैं 6th सेमेस्टर में। तो अभी पहले चलते हैं इनके साथ क्लास लेते हैं और फिर बाकी आपको यूनिवर्सिटी का आगे विज़िट करवाते हैं। अब्दुल्ला भाई की यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, अब्दुल्ला भाई ये सामने जा रहे हैं, उनकी क्लास है। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं ज़रा इधर ऐड करके आ गया। और ये साइड पर बास्केटबॉल का कोर्ट और बैडमिंटन का नेट लगा हुआ है, इधर खेल रहे हैं। और आपको दिखा देते हैं, हाँ ये इसका इधर साइड पे न्यू एकेडमिक ब्लॉक है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह से। और अभी आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं जी। तो एक गेट ये है, ये यहाँ से इसका एग्ज़िट गेट है और वो उधर पीछे जो है डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी है, और ये बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। और आगे चलते हैं और आपको मज़ीद यूनिवर्सिटी का व्यू दिखाते हैं। ये बताता चलूँ कि ये अभी नया ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, काम वगैरह लगा हुआ है, ये मशीन्स खड़ी हुई हैं लेंटर वाली और वो उधर काम लग रहा है लगा हुआ है। ये भाईजान कुछ लंबी सोचों में बैठे हुए हैं और वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है। ये सारी बिल्डिंग एग्रीकल्चर साइंस के डिपार्टमेंट की है। और ये साइड पे लॉन है और अभी आपको यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी दिखाएंगे जी। तो ये सामने एक छोटी सी लेक है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके उस साइड पे कैफेटेरिया एक बहुत बड़ा, और इस साइड पे जो है एनिमल रिसर्च स्टेशन है वो सामने, वहाँ से भी जाके आपको दिखाते हैं। ये सामने देखें जी, भैंसे वगैरह गाय वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ पे, इनकी जो रिसर्च वगैरह होती है स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे आके अपनी रिसर्च करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी की नर्सरी है, यूनिवर्सिटी ग्रीन ऑफिस नर्सरी वो उधर लिखा हुआ भी है। ये सारी इधर नर्सरी पौधे वगैरह हर किस्म के यहाँ पे मिल जाते हैं। और अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं मज़ीद। कैफेटेरिया जाने से पहले आपको ये सामने दिखाता चलूँ, वो और वो, ये दोनों बिल्डिंग हॉस्टल्स की हैं और ये वाली बिल्डिंग अभी बन रही है। और अब्दुल्ला भाई भी इधर इनमें से किसी एक हॉस्टल में रहते हैं, वो भी मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो चलिए आप कैफ़े की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस साइड पे सारी शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप लेना चाहें। तो ये इधर अंदर ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ से
चलते हैं अभी आगे और अब देखते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं यहाँ पे सब कुछ। व्यू वही वो लेक उधर सामने थी जो उस हमने पहले कवर की थी। ये सारी शॉप्स हैं अंदर, ये इधर आपको सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक सब कुछ मिल जाएगा। ये साथ में कैंटीन्स वगैरह भी हैं और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो आए फिर आपको भी लेके चलते हैं इधर इसके ग्राउंड में। जी तो अभी ये ग्राउंड में मैं आ चुका हूँ, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे हर तरह की गेम्स वगैरह। अभी ये लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पे पीछे फुटबॉल खेल रहे हैं और आगे चल के बताते हैं। ये ऊपर से देख, ये भाई ने शॉट लगाया और छक्का हो चुका है। और एक ज़बरदस्त ग्राउंड है यहाँ पे, लड़के वगैरह अपनी गेम्स खेल रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं बास्केटबॉल का कोर्ट और टेनिस का भी यहाँ पे, और सामने लड़के बास्केटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। ये साथ में इधर क्रिकेट और फुटबॉल का ग्राउंड, साथ में ये इसका बास्केटबॉल का कोर्ट है। और ये सामने अब्दुल्ला भाई का डिपार्टमेंट है, भी वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। उससे पहले ये दिखाते हैं जो ये खालिद मोहम्मद खान जिमनेज़म है और उसके बिल्कुल साथ में ये वेटनरी का डिपार्टमेंट है। तो भी चलते हैं देखते हैं अब्दुल्ला भाई किधर है और क्या कर रहे हैं, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और आगे निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने। फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस का डिपार्टमेंट है और माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई का भी 6 सेमेस्टर चल रहा है, इंशाल्लाह इन करीब वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है, आपको भी दिखाते हैं। अब्दुल्ला भाई तो अभी नहीं मिले, तो ये वेटनरी मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल है और मेरे ख्याल में आज ये कोई यहाँ पे कोई अशाइया वगैरह है या कुछ किसी की दावत है, कोई गेस्ट वगैरह आएंगे, तो ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलते हैं अभी ऊपर, आपको और दिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का मेन चौकस है, इसको सारी तरफ रास्ता जाता है, एग्जिट को वहाँ सामने से भी रास्ता जाता है और इस साइड से भी रास्ता जाता है। और अभी देखते हैं आगे किधर जाना है, अजान भी हो चुकी है, नमाज भी पढ़नी है, तो अभी देखते हैं जी आगे हम कहाँ पे जाएं। ये भाई लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये वाले भाई तो सही गुस्सा निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, ज़ोर ज़ोर की शॉट्स लगा रहे हैं। आगे चलते हैं तो बाकी भी आपको दिखाते हैं। अभी चलते सामने मस्जिद है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब्दुल्ला भाई तो हमें नहीं मिले तब तक, मैंने कहा नमाज वगैरह पढ़ लूँ और फिर उससे रब्ता करते हैं। अभी मैं नमाज वगैरह पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं रब्ता करता हूँ अब्दुल्ला से कि वो किधर है, उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है। तो अभी ये हम जाने लगे हैं पाक कोरिया कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी। ये कब इसका इफ्तिताह हुआ था, ऑन 21 दिसंबर 2016। तो ये देख लें, अभी मेरे ख्याल में वहाँ अंदर बोर्ड तो लगा हुआ है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं अब्दुल्ला से पूछता हूँ कि अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते। अभी अब्दुल्ला से पूछते हैं ये डिपार्टमेंट किस चीज़ का। जी अब्दुल्ला भाई, अच्छा ये पाकिस्तान कोरिया की रिलेशन के मुताबिक इन दोनों के मिलकर ये डिपार्टमेंट की तारीफ किया गया, और इसका बेसिकली ये है कि भाई एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी के लिए ये डिपार्टमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी जितनी भी उसके रिलेटेड फील्ड्स हैं या उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो इस डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाते हैं, इसका मेन। जी तो अभी मुझे अब्दुल्ला भाई यहाँ पर लेके जा रहे हैं जिमनेजियम में, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं जी ऊपर।
ये फीमेल टाइमिंग थी और मुझे पता नहीं था, तो मैं अंदर चला गया। तो अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे सारा अभी फ़िलहाल तो फीमेल्स टाइम है। और आगे अब चलते हैं, गुला से पूछते हैं अभी कहाँ जाना है। ये यहाँ पे वेटनरी मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल है, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़। यहाँ पे अंदर जाने नहीं दे रहे थे तो इसलिए हमने बाहर से ही स्टार्ट वगैरह कर दिया। और ये अब्दुल्ला भाई के दोस्त आ गए, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अच्छे। तो अभी चलते हैं आगे। अब्दुल्ला ज़्यादा टाइम नहीं दे सका क्योंकि उसकी क्लास थी, तो वो चला गया है। और अभी मुझे प्यास लग रही है तो देखते हैं अभी जूस लें या पानी लें, कि नाश्ता तो मैंने लेट किया था उस वजह से भूख तो नहीं है अभी। अब्दुल्ला फिर उसके साथ ही लेते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो देखते हैं क्या यहाँ से हम लें। वैसे मैंने जूस ले लिया है और अभी यहाँ ग्राउंड में आके बैठा हूँ, अब्दुल्ला का इंतज़ार है। और फिर आगे देखते हैं अब्दुल्ला क्या कहता है, क्या करना है क्या नहीं करना।